कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, बचाना महत्वपूर्ण है। खाना महत्वपूर्ण नहीं है, पचाना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए आइए इसी बात पर सुनते हैं एक छोटी सी कहानी और साथ ही साथ बनाते हैं एक मजेदार सी रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार एक शहर के बड़े सेठ जी ने अपने एक दोस्त को खाने पर बुलाया और अपने साथ बिठाया। चांदी की थालियों में चांदी की कटोरियां थी, उनमें भांति भांति के खाने थे, हलवा था, खीर था, पूरी भी, फुलके भी और तो और बहुत सारी सब्जियां भी थी। दोस्त की थाली के बाद सेठ जी की थालियां भी आईं। उसमें पीली सी कोई पतली सी द्रव वस्तु थी और उसके पास फुला हुआ छोटा सा अनचुपड़ा फुलका भी था। दोस्त ने समझा कि सेठ जी का असली खाना अभी आएगा, परंतु वहाँ तो कुछ भी नहीं आया। सेठ जी उसी एक फुलके को धीरे धीरे खाते रहे और उस पतली सी वस्तु में हर निवाले को भिगो भिगो कर खाते रहे। दोस्त को ये सब देख रहा ना गया और फिर सेठ जी से पूछा, सेठ जी आप खाना कब खाएंगे? तो सेठ जी बोले, खा तो रहा हूँ, ये फुलका और ये मूंग की दाल का पानी, बस इतना ही खा सकता हूँ मैं। दोस्त ने फिर पूछा, तो आप दूध अधिक पीते होंगे? सेठ जी बोले, नहीं जी, दूध तो मेरे पेट में गैस उत्पन्न कर देता है। फिर दोस्त ने पूछा, अच्छा अच्छा, आप शायद दही छाछ वगैरह लेते होंगे? सेठ जी फिर बोले, अरे नहीं बाबा, एक बार खाया था, 6 महीने जुखाम रहा था। दोस्त ने फिर पूछा, अच्छा अब समझ गया, आप शायद छुआरे, पिस्ते, बादाम, काजू खाते होंगे, नहीं? सेठ जी बोले, भगवान का नाम लो जी, ये तो बहुत गर्म वस्तुएं हैं, इन्हें पचाएगा कौन? तो ये दुर्दशा है इन बड़े बड़े सेठों की, दो फुलके भी नहीं खा सकते, फिर सेठपन का क्या हुआ, किस काम का है ये? सही कहा, इन लोगों से पूछो कि इतना काम क्यों करते हो तो उत्तर देंगे पैसे कमाने के लिए, पूछो धन क्यों कमाते हो तो बोलेंगे खाने के लिए, फिर खाते क्यों नहीं हो, बोलेंगे डॉक्टर ने मना कर दिया है, ऐसी कमाई का आखिर क्या फायदा? सही पूजा, दोस्तों हम पैसे कमाने में कई बार इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारी जिंदगी के दो बहुत ही जरूरी और अभिन्न अंगों को कई बार भूल जाते हैं, एक है हमारा परिवार और दूसरा हमारी सेहत। पैसे कमाइए, बहुत कमाइए, मगर अपने परिवार के साथ बैठकर उस कमाई का मजा भी लीजिए और साथ ही साथ इतने सेहतमंद रहिए कि आप लंबे समय तक अपने परिवार के साथ खुशियां बांटते रहें। इसीलिए तो कहते हैं, कमाना महत्वपूर्ण नहीं, बचाना महत्वपूर्ण है, खाना महत्वपूर्ण नहीं, पचाना महत्वपूर्ण है। और इस नए साल में हम आशा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत सेहतमंद रहिए और बहुत सारे पैसे कमाइए, है ना पूजा? बिल्कुल सही कहा दिलीप। और इसी प्रार्थना के साथ हम बढ़ चलते हैं हमारे इस पॉडकास्ट के अगले पड़ाव पर, जो कि है खाना रेसिपी। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो मसूर दाल से हम बनाएंगे, और मसूर दाल क्योंकि ठंड का मौसम है खाना बहुत अच्छा होता है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। राइट दिलीप, शुरू करें? बिल्कुल। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे मसूर दाल, जो हमने यहाँ पर 1 कप लिया है, 1 प्याज जिसको बारीक काट लेंगे, अदरक 1/2 टीस्पून, हरी मिर्ची 4 जिसको हम बारीक काट लेंगे, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लहसुन की हम 6 गलियां ले लेंगे उसको हम बारीक काट लेंगे, जीरा 1 टीस्पून, कस्तूरी मेथी लीव्स 1 टीस्पून, ये एक्चुअली ड्राई कस्तूरी मेथी जो होती है वो लेना है आपको। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे धनिया पत्ता जो हमें बारीक काट लेना है, थोड़ा सा ले लें, और वेजिटेबल ऑयल 2 टेबलस्पून, नमक स्वादानुसार और पानी आवश्यकता अनुसार।
So a quick look at the ingredients for this recipe. First of all, we'll need masoor dal 1 cup, small onions 1 finely chopped, ginger 1/2 teaspoon, green chili 4 chopped, turmeric powder 1/4 teaspoon, garlic 6 cloves finely chopped, cumin seeds 1 teaspoon, kasturi methi 1 teaspoon, coriander leaves finely chopped, vegetable oil about 2 tablespoon, salt to taste and water as required. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक प्रेशर कुकर लेंगे जिसमें कि हम तेल डालेंगे और उसे गर्म कर लेंगे। उसके बाद हमें उसमें डालना है जीरा, और जब हम देखेंगे कि जीरा जो है वो थोड़ा स्प्लटर होने लग गया है तब हम उसमें डालेंगे हरी मिर्ची चॉप की हुई, गार्लिक और साथ ही साथ जिंजर डालेंगे बारीक कटा हुआ। उसके बाद हमें क्या करना है कि इनको हमें थोड़ा सा भूनना है। अब जब आप देखेंगे थोड़ा सा ये भून गया है तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद हमें इसे चलाते रहना है ताकि ऑनियन जो है ज़्यादा जले ना और हल्का सा ब्राउन भी हो जाए। और फिर बारी है डालने की टमाटर की। जी हाँ, यहाँ पर हम बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे और उसके बाद हम इसको चलाएंगे तकरीबन 2-3 मिनट तक फिर से। उसके बाद हमें क्या करना है कि दाल को धो लेना है और उसके बाद हमें कुकर में डालना है और फिर पानी डालेंगे आवश्यकता अनुसार और तकरीबन 5-6 विसल आने तक हमें इसे पकाना है। कुकर का ढक्कन जो है आप इमीडिएटली ना खोलें, थोड़ी देर बाद खोलें जब उसका प्रेशर चला जाए। और फिर जब आप कुकर का ढक्कन खोलेंगे दाल को अच्छे से कलछन की सहायता से मैश कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि पानी की और आवश्यकता है उसमें तो गर्म पानी करके आप उसमें डाल लें और उसे फिर एक बार उबाल लें। और फिर बाद में डालें आप उसमें धनिया पत्ती कटी हुई और साथ ही साथ कस्तूरी मेथी, ड्राई कस्तूरी मेथी वो भी डालें, और बस मिक्स कीजिए उसको और आपका दाल जो है मसूर का वो तैयार हो गया है। इसे आप परोसिए प्लेन चावल के साथ और आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस दाल और चावल, दैट्स इट। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। सो ऑन टू द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हीट वेजिटेबल ऑयल इन अ प्रेशर कुकर, ऐड कमिन सीड्स एंड व्हेन इट स्टार्ट्स स्प्लटरिंग ऐड चॉप्ड चिलीज, गार्लिक एंड जिंजर एंड सॉटे इट अंटिल इट इज स्लाइटली ब्राउन। Once it is slightly brown, add onions, turmeric powder and salt and keep on stirring until the onions become golden brown. Now add chopped tomatoes and stir for 2 to 3 minutes again. Then wash the dal properly and transfer it into the pressure cooker. Add water as required and cook until about 5 to 6 whistles of the pressure cooker. And when it is done, don't open the lid immediately. Open the lid of the pressure cooker only once it cools down. Once you've opened the lid of the pressure cooker, add coriander leaves and kasturi methi to it and your masoor ki dal is ready to be served. This goes well with plain rice. You will not need any other side dish. It tastes amazing. You might want to give it a try and let us know how it tastes. राइट और आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी कि मसूर की दाल को पकाने के पहले अगर आप इसको आधे घंटे से एक घंटे तक के लिए बेसिकली आप इसको सोक करके रख सकते हैं, इससे दाल जो है थोड़ा जल्दी पकेगा, बस इतना ही है। नहीं तो आप नॉर्मली भी इसे पका सकते हैं। और इस दाल को आप ज़रूर बनाइए और हमें अपने अनुभव शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी भी। बिल्कुल। और हमें आपकी राय बताने के लिए आपको जाना है thetasteofindia.com पर। आपको इस ब्लॉग पोस्ट पे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपने ये रेसिपी बनाया तो आपको कैसे लगा, और अगर आपकी कोई राय है, एनी फीडबैक सजेशन, वो सब भी आप हमें वहां कमेंट करके बता सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज द कॉन्टैक्ट अस बटन ऑन thetasteofindia.com टू लेट अस नो योर थॉट्स, योर फीडबैक, योर सजेशन। वी वुड एब्सोल्युटली लव टू हैव योर फीडबैक एंड सजेशंस। इज दैट ऑल दैट वी हैव फॉर दिस एपिसोड पूजा? That's all the love for today. So that is all that we have for this episode. We'll be back again the next week with another interesting story and a very tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. We are available on pretty much all podcasting platforms, including Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, TuneIn Radio, JioSaavn, Gaana, Amazon Prime Music, Karma 2.0, and we are also available on the OTT platform Epic On as well. So pick your favorite platform and give it a listen in there. And when you do that, do take a few minutes out and review and rate the show on whatever platform you're listening to it, because that helps us create even better episodes for you.
that is all that we have for this episode. We'll be back again the next week. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. और हमारी अगली मुलाकात तक मैं दिलीप और मैं पूजा आप सबसे आज्ञा लेते हैं।